इश्यू ऑफ शेयर्स बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा है इसके अंदर बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फोर फीचर ऑफ शेयर। लास्ट क्लास में करा था हमने इश्यू डेट पार वाला, आज हम करेंगे कि अगर हमने वो शेयर्स कैसे इश्यू करे हैं सर, प्रीमियम पे इश्यू करे। इसमें ना बेटा हमारी दो कैटेगरीज बनेंगी। दो कैटेगरीज कैसे बनेंगी, पहले क्वेश्चन समझते हैं हम। सपोज करो बेटा हमारे पास 100 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने अमाउंट पे नहीं करा, ₹10 जमा ₹2 का ये शेयर था जिसमें ₹3 आपके एप्लीकेशन के थे, 2 जमा 3 यानी ₹2 का क्या था मेरे पास प्रीमियम, अलॉटमेंट के थे और 3 3 6 4 रुपए हमारे किसके थे फाइनल कॉल के थे। इसके अंदर बच्चे आपके ना दो केसेस बनते हैं। पहला बनता है केस फर्स्ट, इफ प्रीमियम पेड, और एक केस सेकंड बनेगा बच्चे हमारा यहां पे प्रीमियम नॉट पेड। अब प्रीमियम पेड और नॉट पेड का मतलब क्या है ये समझते हैं बेटा। यहां पे जो क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है इसमें सिचुएशन ये बैठती है कि 100 शेयर होल्डर्स हैं, इसने एप्लीकेशन जो है ₹3 की वो पे कर दी और इसने अलॉटमेंट भी जो था 3 जमा 2 का पे कर दिया, लेकिन इसने फाइनल कॉल पे नहीं करी फाइनल कॉल पे। अब बेटा जब इसने अलॉटमेंट पे कर दिया तो प्रीमियम किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ है। दैट मींस जब उसने अलॉटमेंट पे कर दिया तो मतलब प्रीमियम भी पे कर दिया। सिंपल सा बता रहा हूं आपको, किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रीमियम पे कर चुका है तो उस प्रीमियम को हमें क्वेश्चन की किसी भी एंट्री में शो करने की जरूरत नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, जो प्रीमियम पे हो चुका है उसे हम एंट्री के अंदर शो नहीं करेंगे। तो अब सर एंट्री क्या बनेगी, मैंने आपको कल 3 मंत्र बताए थे लास्ट क्लास में, सर कितना मंगवाया, कितना आया, कितना नहीं आया, 3 थे हमारे पास। तो सबसे पहले जो यहां पे एंट्री होती है सर वो होती है किसकी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सर नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट कितना है सर, 10 है। कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, कितने हो गए सर यहां पे ये 1000। 2 शेयर फोर फीचर अकाउंट, यहां पे क्या आता है सर, 100 शेयर्स हैं, फोर फीचर में वो अमाउंट आता है जो वो पे कर चुका है। तो 3 और 3 पे कितने कर चुका है, 6। सर ₹2 हम नहीं लेंगे क्योंकि अभी आपने बताया कि अगर प्रीमियम पे हो चुका है तो उसको एंट्री में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो यानी सर यहां पे जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, ₹6 का। तो यहां कितने हो गए सर, 2। क्या पे नहीं करा बेटा उसने, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 100 × 4 कितने रुपए हो गए बच्चे यहां पे ये, यहां तक क्लियर। अब केस आता है कि सर इफ प्रीमियम नॉट पेड, प्रीमियम नॉट पेड नहीं होगा ना तो बेटा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा हमारा। कैसे चेंज हो जाएगा, सर 100 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन इसने पे कर दिया ₹3 का, अलॉटमेंट जो था हमारा पे नहीं हुआ कितने का, 3 जमा ₹2 का। तो बेटा जब उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया दैट मींस उसके ऊपर जो ₹2 का प्रीमियम है वो भी नहीं दिया होगा उसने। तो जब वो प्रीमियम नहीं देता तो उस प्रीमियम को मुझे एंट्री में शो करना पड़ता है क्योंकि वो सर आया नहीं है तो मेरे को ड्यू करके शो करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे एंट्री, अब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, फिर से वही रूल, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू में कॉल्ड अप अमाउंट। बेटा कॉल्ड अप अमाउंट वो होता है जितना हम पैसा मंगवा चुके हैं। देखो भाई उसने एप्लीकेशन पे कर दिया, ये पे नहीं करा, तो जब इसने ये पे नहीं करा तो क्या मैंने फाइनल कॉल मंगवाई होगी, सर नहीं मंगवाई होगी। तो कॉल्ड अप कितना हो गया, 3 और 3 ₹6। तो यहां पे कितने रुपए आएंगे सर, अब ₹6। यहां पे कितना हो गया सर, ये ₹600। सिक्योरिटी प्रीमियम, मैंने क्या बताया,
कि सर जब प्रीमियम नहीं आता तो उसे एंट्री में शो। तो सर प्रीमियम कितने का था हमारा, 100 × 2 ₹200 का। अब अगली एंट्री ध्यान से सुनना बच्चे, टू शेयर फॉर फीचर, क्या आता है बेटा यहां पे, जो वो पे कर चुका है, पे क्या करा है सर, ₹3 की एप्लीकेशन, तो कितने रुपए हो गए सर यहां पे, टू शेयर, पे क्या नहीं करा, शेयर अलॉटमेंट, तो 100 × इस वाले पे मैंने कितने लिए थे बेटा, सिर्फ ₹3 लिए थे ना, क्योंकि वो पे कर चुका था, यहाँ पे उसने पे नहीं करा, तो टोटल कितने रुपए लूंगा मैं, ₹5 लूंगा इंक्लूडिंग प्रीमियम लूंगा, तो ₹5 बेटा आपके यहाँ आ गए। अब एंट्री हो गई दोनों डेबिट क्रेडिट इक्वल, तो बेसिक रूल समझ आ गया। ये छोटी छोटी चीजें आपने याद रखनी है, सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे इसमें ना, छोटी चीजें हैं काफी सारी, लेकिन जो जो मैं बता रहा हूँ इसीलिए एक क्लास में बेटा आपको एक या दो टॉपिक ही करा के भेज रहा हूँ, ताकि घर पे जाके उसे कर लिया करो आप। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई क्या करना है इसमें, ठीक है। बेसिकली ये वाला तो बेटा ये था कि इसके अंदर उसने अलॉटमेंट पे कर दिया था, जब अलॉटमेंट पे कर दिया तो इसका मतलब उसने प्रीमियम भी पे कर दिया, प्रीमियम जब भी वो पे करेगा तो हमें प्रीमियम को एंट्री में कहीं पे भी शो नहीं करना, सिंपल एंट्री करनी है, इसलिए प्रीमियम के दांत तो ₹2 ऊपर लिए मैंने ना नीचे लिए, सीधा सीधा एंट्री पास आउट करी, और जब नहीं पे करेगा तो एंट्री में हम उसको शो करके चलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया जी, क्लियर है भाई सबको। चलिए अब हम ना अपने एग्जाम्पल पे आते हैं, अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे जिन्होंने भी, मैंने जब इशू ऑफ शेयर शुरू करवाया, फोर फीचर भी जब शुरू कराया था, उसकी रिकॉर्डिंग आज डाल दूंगा आपके लिए। फोर फीचर के अंदर बेटा मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि सपोज करो आपने ₹1,00,000 की क्या ली है, एक स्कूटी ली है, ₹20,000 की आपने इस पे क्या कर दी सर, डाउन पेमेंट, और ₹80,000 की 8 आपने किस्तें बनवाई थी, ₹10,000 पर मंथ की, आपने इसमें से 5 किस्तें पे कर दी थी ₹50,000 की, 30 किस्तें आपने पे नहीं करी थी। जब आप कोई अमाउंट पे नहीं करते तभी उसको क्या करती है कंपनी, फोरफिट करती है, यही समझाया था लास्ट क्लास में। यानी कि सर कंपनी क्या करती है, शेयर पे आपने ₹10 मंगवाए, 10 में से 6 देने के बाद आगे आप नहीं दे पाए, तो कंपनी क्या करेगी बेटा, जो अमाउंट आप दे चुके हो, दे कितना चुका हूं मैं यहाँ, 50,000, 50,000 को कंपनी क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी, और साथ ही साथ आपकी स्कूटी भी जब्त कर लेगी। यानी कि सर हमारे शेयर्स भी ले लेगी कंपनी, और जो पैसा हम दे चुके हैं वो भी क्या हो जाएंगे, वहां पे फोरफिट हो जाएंगे। अब यहां अगर मैं स्कूटी की ही बात करूं तो बेटा आप कंपनी ने मान लो, बैंक है वो लोन प्रोवाइड कराता है, महीने में 100 स्कूटी वाले ऐसे हैं जो पेमेंट नहीं करते, तो अब कंपनी जब वो स्कूटी जब्त कर लेगी, फोरफिट कर ली, अब वो अपने पास ही रखे रखेगी उसे, या क्या करेगी, रीसेल करेगी, मार्केट में बेचेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। अब जब मार्केट में बेचेगी तो हो सकता है वो ज्यादा में बिके, या हो सकता है वो सेम बेटा शेयर्स के केस में, शेयर जब कंपनी फोरफिट कर लेती है तो फोरफिट करने के बाद वो क्या करती है, उसको रीइश्यू करती है, क्या करती है उसको। तो अगला टॉपिक जो है बेटा हमारा वो क्या है यहाँ पे, रीइश्यू ऑफ शेयर्स, रीइश्यू ऑफ, ठीक है, रीइश्यू समझ आ गया क्यों करती है भाई, जब कंपनी ने फोरफिट करे तो उसका करेगी क्या, वो मार्केट में दोबारा बेचेगी। अब उसमें ना दो कंडीशन आती है, या तो वो ज्यादा में बिकता है या वो कम में। पहले हम पार वाले केस का ही क्वेश्चन देखते हैं जो हमने लास्ट क्लास में करा थे ना, उसी का एक क्वेश्चन करा रहा हूं। एट पार वाले केस में क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पे बेटा, क्वेश्चन दे रखा है बच्चे हमें, 4,000 शेयर्स हैं, ₹10 के हिसाब से फुली कॉल्ड, यानी सारा का सारा पैसा मंगवाया हुआ है मैंने, एप्लीकेशन मनी जो थी वो थी ₹3 की, ये पे हो चुकी है, बाकी के जो ₹7 हैं वो पे नहीं हुए हैं। इस 4,000 शेयर में से कंपनी ने 2,000 शेयर्स रीइश्यू करे हैं ₹18,000 के हिसाब से फुली पेड अप मान के। अब देखना बच्चे यहां, और 2023 में क्वेश्चन आया है, एग्जाम का क्वेश्चन है, ये बाहर का क्वेश्चन भी नहीं है आपका, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मेरे को इसको क्या करना है सर, फोरफिट करना है, क्या करना है, फोरफिट। तो सर फोरफिट की एंट्री आपने बताई, सबसे पहले हम देखते हैं कि कितना पैसा मंगवाया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सर नंबर ऑफ शेयर कितने हैं फोरफिटेड, 4,000, उसमें से
कॉल्ड अप अमाउंट क्या है पूरा का पूरा 10 रुपए, तो सर यहाँ पे कितने आ गए ये 40,000। सर उसके बाद टू शेयर फोर फीचर, मैंने आपको क्या बताया कितना मंगवाया, कितना आ गया वो जब्त हो जाएगा, जो नहीं आया उसको शो कर दूंगा। तो सर कितना आ गया मेरे पास, 3 रुपए आए हैं सिर्फ, तो बेटा 4,000 × 3 कितने रुपए आ गए मेरे पास, 12,000। टू शेयर, अब मेरे को क्योंकि नाम नहीं दे रखा किसी भी चीज का, तो मैं यहां पे वर्ड यूज करूंगा कॉल इन अरियर। कितना हो गया सर ये 4,000 × 7 28,000, यहां तक क्लियर। अब वो कहता है कि मैंने शेयर्स कितने फोरफिट करे 4,000, लेकिन रीइशू कितने कर रहा हूं सिर्फ मैं 2,000, मैं सारे के सारे शेयर्स रीइशू। तो अब मैं जब शेयर्स रीइशू करूंगा तो पैसा क्या होगा सर मेरे पास आएगा, तो बैंक अकाउंट कितने में रीइशू करे हैं बेटा 18,000 में, कितने में रीइशू करे हैं, तो यहां बैंक अकाउंट में कितने आ जाएंगे 18,000, कितने आ गए बैंक अकाउंट में 18,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने के थे बेटा, वो एक्चुअल में अगर देखा जाए 2,000 × कितने के थे 20,000। अब यहां से स्टार्ट होगा लॉजिक, एक्चुअल में 20 की चीज कंपनी ने कितने में बेची, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितने का सर, कंपनी ने ये जो 12,000 रुपए ऊपर फोरफिट करे थे कितने शेयर्स पे करे थे, 4,000 शेयर्स पे। अब बहुत ध्यान से देखना ये ट्रिक जो बता रहा हूं यहां पे, 4,000 शेयर पे कंपनी ने कितना फोरफिट करा अमाउंट, तो एक शेयर पे कितना करा होगा सर 12,000 / 4,000, मेरे को कितने शेयर्स रीइशू करने हैं 2,000, तो अगर मैं 2,000 की वैल्यू निकालूंगा तो कितने आ जाएंगे सर, और वो लॉजिकल भी है सर, 4,000 पे 12,000 है तो 2,000 पे कितना होगा सर 6,000 होगा, उसका आधा हो जाएगा ना, यानी कि सर जब कंपनी ने शेयर्स फोरफिट करे थे तो 2,000 शेयर्स फोरफिट करने पे कंपनी को फायदा कितने का हुआ था, कितने का फायदा हुआ था भाई, देखो फोरफिट कंपनी का फायदा है या नहीं पहले तो ये सोचो, है ना भाई, आपने आधा अधूरा अमाउंट दिया, कंपनी ने आपसे स्कूटी भी ले ली, आपके पैसे भी रख लिए, तो कंपनी को जो वो पैसा गया वो तो फायदा ही है ना। अब कंपनी उस स्कूटी को दोबारा बेच भी रही है, या तो ज्यादा में बेचेगी या कम में बेचेगी, तो उसमें भी उसे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो बेटा जो कंपनी को पहले प्रॉफिट हुआ होता है ना उससे आने वाले लॉस को क्या करती है, वो सेट ऑफ करती है। कैसे, अब 2000 शेयर्स यहां पे फोरफिट करने में कंपनी ने कितने पैसे कमाए थे, लेकिन जब उसने रीइशू करे तो उसे घाटा कितने का हो गया, अब कहां से लेगी वो शेयर फोरफिट से ले लेगी, तो यहां जो बैलेंस आएगा ना बच्चे बीच में, ये अमाउंट आएगा आपका कहां से, शेयर फोरफिट अकाउंट डेबिट कितने रुपए 2,000 रुपए, यानी जो डिफरेंस है वो कहां आ गया आपका, फोरफिट से ले लिया उसने। अब यहां फोरफिट क्या हो रहा था, क्रेडिट, यहां क्या हो गया, समझ आ गई यहां तक। अब आप देखो, देखो मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, बुक में ऐसे नहीं समझा रखा आपको, 6,000 का मेरे को यहां प्रॉफिट हुआ था 2,000 शेयर के फोरफिट पे, 2,000 का लॉस मैंने उससे कवर कर लिया, अभी भी मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा 4,000 प्रॉफिट बचा ना, तो जो बेटा आपके पास प्रॉफिट बचता है वो जाता है आपका शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना प्रॉफिट हुआ सर 4,000 रुपए का, समझ आ गया 4,000 कहां से आए, क्लियर है। तो ये एक प्रोसेस है बेटा पूरी की पूरी, मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाई आपको स्कूटी वाले से, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको सबको, क्या हुआ ये कैपिटल रिजर्व कैसे आया, सबको समझ आ गया, पक्का है, कौन सा वाला बेटा, अभी अगले में समझा देता हूँ, दोबारा समझाता हूँ, ये क्लियर है बेटा अभी तक सबको एंट्री। अब एक अगला क्वेश्चन प्रीमियम वाला करा रहा हूं, दोबारा बच्चे ये सारा रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका इसी से रिलेटेड, रीइशू से रिलेटेड है अब आपका प्रीमियम वाला क्वेश्चन। एट रीइशू बेटा क्वेश्चन है कि 100 शेयर्स थे हमारे पास, नहीं 100 शेयर्स नहीं है, इसमें सीधी ने वैल्यू दे रखी है कि बेटा हमारे पास 100 रुपए के शेयर हैं प्लस 10 रुपए का इस पे क्या है
प्रीमियम है, हमने इसमें से 80 रुपए 70 जमा 10 कॉल्ड अप करे थे, कॉल्ड अप मतलब इतने पैसे मैंने मंगवाए थे, 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम। इस 80 रुपए में से 60 रुपए मेरे को रिसीव हुए हैं। कैसे रिसीव हुए हैं बेटा? वो 50 जमा 10 रुपए प्रीमियम के। देखो बेटा, आप ना इसको ऐसे भी मत लिखो, और सिंपल करते हैं इसको। देखो भाई, 100 रुपए के शेयर हैं 10 रुपए प्रीमियम के साथ, तो टोटल कितने रुपए हो गए बच्चे मेरे पास? 110 रुपए। 110 में से मैंने कितने रुपए मंगवाए हैं अभी तक? 80 रुपए, जिसमें 70 रुपए अलग है, 10 रुपए प्रीमियम के हैं। अब कहता है इस 80 रुपए में से भी मेरे पास ये कॉल्ड अप है, ये रिसीव्ड है मेरे पास, 60 रुपए आ गए हैं। कैसे आए हैं? इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 50 जमा 10। तो देखो, प्रीमियम से प्रीमियम तो मैच हो गया। इस 70 में से आपके पास कितने आए, कितने नहीं आए? 20। यही चीज हमें ढूंढनी है बस पूरे क्वेश्चन में। अब वो कहता है कि ये करने के बाद दीज शेयर्स आफ्टरवर्ड रीइश्यूड एट फुली पेड अप 70 रुपीज। सारे के सारे शेयर मैंने 70 रुपए के हिसाब से फुली पेड अप मान के क्या कर दिए हैं? रीइश्यू कर दिए हैं। अब बेटा ध्यान से सुनना, दोबारा से सारी चीजें रिपीट करूंगा। क्वेश्चन कौन सा है? पहले हमें क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। सर क्वेश्चन कौन सा है? प्रीमियम वाला। जैसे ही प्रीमियम वाला क्वेश्चन आया और आपने फोरफीट करना है, तो सबसे पहला दिमाग लगाना है कि सर प्रीमियम पे हुआ है या। अब अगर मैं इसकी बात करूं, प्रीमियम पे हुआ है नहीं हुआ इस क्वेश्चन में? सर हो चुका है। तो प्रीमियम जब पे हो चुका है, दैट मीन्स मेरे को उसको एंट्री में नहीं लेना, उसे एंट्री में। अब मैं एंट्री पास आउट जो करूंगा, ध्यान से देखना बच्चे, पहले हम फोरफीचर की एंट्री करेंगे। यहां शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। बेटा नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? या नंबर ऑफ शेयर्स तो है ही नहीं इसमें, इसमें तो डायरेक्ट अमाउंट है ना। तो कितने रुपए है बेटा जो थे? 100 रुपए। फुल्ली कॉल्ड अप था ना? नहीं। कॉल्ड अप कितना है बेटा इसके अंदर? ये 80 में से 70 रुपए कॉल्ड अप है। कितना है? क्योंकि मेरे को प्रीमियम तो लेना ही नहीं है, क्योंकि वो आ चुका है मेरे पास। 2 शेयर फोरफिटेड। फोरफिट कौन सा अमाउंट होता है बेटा? जो रिसीव हो चुका है। रिसीव कितना हुआ है मेरे को? प्रीमियम तो लेना ही नहीं है, तो सर यहां पे कितना आ गया अब? 50। 2 क्या नहीं आया? हमें अमाउंट इतनी अमाउंट पता है, लेकिन नाम नहीं पता, तो क्या यूज करूंगा? कॉल्स इन अरियर। कितने रुपए हो गए बेटा यहां? यहां तक समझ आ गया? अब ये केस ना और इजी है, क्योंकि ये क्या कहता है कि मैंने सारे के सारे शेयर्स क्या कर दिए? रीइश्यू कर दिए। तो जब मैंने सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू करे हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितने में करे हैं सर? 70 रुपए में। कितने में करे हैं? क्या मान के करे हैं? फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब होता है जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू थी ना, उतनी ही मानी है मैंने, कि 100 रुपए का शेयर था और 70 रुपए में निकाला है। तो सर 2 शेयर, देखो शेयर कैपिटल का बेटा अभी भी वही रूल है कि शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आएगी? ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनली वो कितने का शेयर है बेटा? 100 रुपए का। कितने का शेयर है? अब 100 की चीज कितने में बेची है उसने? लॉस कितने का हुआ? ऊपर प्रॉफिट कितने का हुआ था? 50 में से 30 का प्रॉफिट कहां से ले लेंगे लॉस? सॉरी, ऊपर से। तो शेयर कितने रुपए? 30 रुपए। अब बेटा 50 में से 30 गए, कितने बचे? वो कहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में। यही आंसर है आपकी बुक में। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर यहां पे? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 20 रुपए। और समझ आया? क्लियर है? दो तीन चीजों पे फोकस रखना। देखो तीन चीजें आज नहीं सीखी हैं। पहला सर रीइश्यू कैसे होता है, दूसरा सर प्रीमियम के दो केसेस, प्रीमियम पे हुआ है या प्रीमियम पे हो गया है तो उसकी एंट्री नहीं करनी, प्रीमियम पे नहीं हुआ है तो उसे एंट्री में जोड़ना है। और ये वाला जो आपको एग्जांपल दिया, इसको दिमाग में फिट कर लो स्कूटी वाले को, नेक्स्ट क्लास में किसी से भी पूछूंगा, ठीक है? रीइश्यू कैसे होता है सर? प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे और क्या सिचुएशन हो सकती है? एक सिचुएशन सर ये हो सकती है कि अगर, चलो मैं यहाँ पे ना इसको कैटेगराइज करता हूँ, एक क्वेश्चन लेते हैं, तीनों सिचुएशन आपको क्लियर कर देता हूँ इसी क्वेश्चन से। देखो हमारे पास 100 रुपए का शेयर है,
₹10 प्रीमियम के साथ है, ₹80 हमारे इसके ऊपर क्या थे, कॉल्ड अप थे, जिसमें 70 जमा ₹10 प्रीमियम था, और इसमें से मेरे को जो रिसीव हुए हैं वो हुए थे ₹60, जिसमें 50 जमा ₹10 थे। ठीक है, केस फर्स्ट हमने कर लिया। सपोज करो केस फर्स्ट क्या था कि हमने री इशू करा था कितने में, ₹70 में। कितने में री इशू करा था? ठीक है जी, अब पहले ना फोर फीचर की एंट्री कर लेते हैं जो लास्ट करी थी हमने। क्या करी थी सर? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितने रुपए आएंगे सर? ₹70। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट कितना आएगा सर? ₹50। टू कॉल इन अरियर कितना आएगा सर? ₹20। केस फर्स्ट हो गया, मैंने ₹70 में रीशू करा था। मान लो वो कहता है केस सेकंड कि री इशू ₹110 में करा, 100 का शेयर। भैया स्कूटी महंगी भी तो बिक सकती है, कोई ग्राहक ऐसा मिल गया महंगी बेच दी मैंने उठा के, बिक सकती है ना, ये भी तो हो सकता है। अब मैंने उसको रीइशू किस पे कर दिया सर? प्रीमियम पे रीइशू कर दिया। किस पे रीइशू कर दिया? इसको बैलेंस करना सीख गए ना बेटा, एंट्री को देखो अब ध्यान से देखना। मैं कुछ नहीं कर रहा, जो बताया हुआ ना वही कॉपी पेस्ट करूंगा। सबसे पहले क्या बताया बेटा रीइशू में? बैंक अकाउंट डेबिटेड कितने में कर रहे हो बेटा? 110 में कर रहे हो। टू शेयर कैपिटल, इसमें मैंने आपको क्या बताया, क्या आता है हमेशा? ओरिजिनल। ओरिजिनल सर है कितने का वो? अब मैंने इसे फायदे में बेचा है या नुकसान में बेचा है? कितने फायदे में बेचा है सर? ₹10। तो प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम लिखूंगा यहां पे, कितने में? ₹10 में। मेरे को ऊपर फोरफिट करने में प्रॉफिट कितने का हुआ था? क्या उस प्रॉफिट में से मेरे को कुछ एडजस्ट करना पड़ा? सर पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया मेरे को, तो वो पूरा का पूरा ही कहां ट्रांसफर कर दोगे बेटा? कैपिटल रिजर्व में। तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी सर? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, पूरे के पूरे ₹50 कहां पे चले गए सर? हमारे कैपिटल रिजर्व में। एक सिचुएशन और क्या बन सकती है कि अगर वो यहां पे लिख दे रीइश्यूड इन 100, भैया 100 की चीज अगर 100 में ही रीइश्यू करेगा तब भी क्या प्रॉफिट में से मैंने कुछ यूज किया? नहीं किया। तो सर सारा का सारा कहां चला जाएगा? तब भी कैपिटल रिजर्व में चला है। इन तीन सिचुएशन के अलावा पूरे इश्यू ऑफ शेयर्स में कोई सिचुएशन बनेगी ही नहीं आपकी। ठीक है, ये लास्ट एंड है इसका सिचुएशन का। मतलब इतना बढ़िया बेस बताया, अगर घर जाके इसे कर लोगे, आगे वाले क्वेश्चंस देखना बड़े वाले आप खुद निकालोगे यहाँ पे, और आपसे ही करवाऊंगा मैं पूछ पूछ के कि कौन सी एंट्री में क्या अमाउंट आएगा। कंडीशन आज को मिला के लास्ट वाली एंट्री भेज दी है मैंने आपको, वो देख लेंगे। कल इवनिंग में डालूंगा मैं आज वाली वीडियो। ठीक है, आज का काम क्या रहेगा बेटा आपका?